ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री विष्णु वर्ण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उसके राज में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नामक स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान श्री विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मी ने पति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले श्री हरि सूक्त मंत्रों द्वारा मंत्रों इत्यादि से भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के रत्न ढक गए। यह देख राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की मानिक और स्वर्ण से मेरी पूजा को श्री विष्णु दास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू श्री विष्णु पूजा नहीं जानता है, यह मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को ना मानकर बोला, हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णु दास की बात सुनकर और राजा हंसकर गर्वयुक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता मुझे दरिद्री की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और पहले तेने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया है, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि श्री विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देंगे या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बना विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में विष्णु बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्य संपत्ति दान दी गई। यह यज्ञ गया क्षेत्र में किया था। विष्णु दास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया, तुलसी का पेड़ लगाया और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र, षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णु दास ने बहुत समय बिता दिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।